अगर आप वुहान सिटी चूज कर रहे हो ना चाइना में आने के लिए, तो भाई लिटरली बहुत ही बेकार सिटी है। नमस्ते, राम राम। चाइना में ना मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है, अच्छी है यार दवाई की जैसी है। कुछ स्कॉलरशिप की भी बात करनी है, आप लोग बहुत क्वारी करते हो। यहाँ की जिम की सबसे गंदी बात, यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया है बैठने के लिए। चेंजिंग रूम में सब लड़के या लड़कियाँ सब नंगे नंगे घूमते हैं। नमस्ते, नमस्ते। इसकी मसल काफी अच्छी खासी है, कहाँ इसके जितना। और ट्रेडमिल तो काफी है, और ट्रेडमिल से बाहर का व्यू दिखाऊँ, अभी ड्रिसलिंग हो रही थी हालांकि इस स्कॉलरशिप के ऊपर। हालांकि मैंने अपने घर से अभी तक एक भी पैसे नहीं लिए। स्कॉलरशिप लेना सच बताऊँ ना बहुत इजी है, बट हे गाइस वेलकम टू माय चैनल आद्विक जर्नी। सो स्टार्टिंग में यार एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप वुहान सिटी चूज़ कर रहे हो ना चाइना में आने के लिए या घूमने के लिए या स्टडी के लिए, तो भाई लिटरली बहुत ही बेकार सिटी है वेदर के मामले में। अभी बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है, अभी थोड़ी बारिश बंद हुई है तो बाहर निकलूँ ब्लॉग बना दूँ। अभी फिलहाल प्लान कुछ ऐसा है, मैं जिम की तरफ जा रहा हूँ अपनी, आज मेरा प्लान है माइक के साथ वर्कआउट करना है। सामने का व्यू कुछ ऐसा है यूनिवर्सिटी के अंदर का, अभी तो फिलहाल बाहर जा रहा हूँ मैं। सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो रही है, बैग ले लिया मैंने जिम बैग। देखो स्टार्टिंग में मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि वुहान मत आना, चाइना की किसी भी सिटी में आ जाना। अगर देखो भाई बात वेदर की है ना, तो चाइना में ना, यहाँ वुहान सिटी में यहाँ का वेदर ना बहुत ही गंदा है। मतलब जून जुलाई के टाइम पे भी ना ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि आपको जैकेट निकाल के पहनना पड़ेगा, और ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि भाई मतलब लाइक आप एसी में भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ना हर छोटी छोटी जगह पे ना इतनी सारी लेक्स बनी हुई है ना, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसके अगले दिन ही बारिश हो जाएगी तो टेम्परेचर 6 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री चला जाता है, आपको जैकेट निकालनी पड़ेगी। अगले ही दिन टेम्परेचर धूप निकल के 35 डिग्री, आपको मतलब इतनी गर्मी और ह्यूमिड होने लगेगा पूछो मत। यहाँ पर भाई ये कुछ ऐसी दुकानें हैं चाइना में वुहान में, और ये वुहान की बस व्यू, ये साइकिल। तो यार अभी वर्कआउट करना है, अभी जिम की तरफ ही जा रहा हूँ। पहले तो किसी दुकान से ना एक रेडबुल उठाते हैं, देखते हैं कि रेडबुल विंग्स देती है या नहीं देती। रेडबुल ले ली, और ये अलग ही फ्लेवर दिख रहा है यार, इंडिया में तो ये वाला फ्लेवर है ही नहीं, पता नहीं कोई पीच फ्लेवर है। जीरो शुगर, जीरो कार्ब्स, अच्छी है यार दवाई की जैसी है। जैसे डॉक्टर बच्चों को दवाई नहीं देते थे, छोटे छोटे बच्चों को येलो कलर की होती थी, वो खट्टी मीठी थी, सेम वैसे ही लग रही है। बट ठीक है, शुगर वगैरह इतनी नहीं है, देखते हैं एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती। सो भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए अपने जिम के पास। ये जो बड़े वाला टावर देख रहे हो ना, काफ़ी फेमस टावर है, इसी पे 5th फ्लोर पे जिम है। हालांकि माइक जो है ना यार वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्योंकि मैं लेट हो गया था। हमने टाइम डिसाइड किया था 2 बजे का, बट मैं बाहर चला गया था तो आ नहीं पाया, तो माइक ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसने वार्म अप वगैरह कर लिया हुआ। चलते अंदर, सो हियर इज द व्यू। चलो जी आ जाओ। तो यार अब आपको ना ऊपर जिम में पहुंचने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मिलते हैं। उसके बाद ना कुछ स्कॉलरशिप की भी बात करनी है, आप लोग बहुत क्वारी करते हो ना, उसके वीडियो के एंड में बताता हूँ, वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पे टाइम ही लिखा हुआ है, यहाँ की जिम की सबसे गंदी बात, ये कोई भी जिम सुबह 6 बजे नहीं खुलती, 10 बजे से ही खुलती है, 9:30 या 10 बजे से। बाकी कुछ ऐसी एंट्रेंस है, बहुत ही लग्जीरियस जिम है ये वाली। अगर मैं इस जिम की बात बताऊँ तो यहाँ पर कुछ सिटिंग एरिया है बैठने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ सामने से दिखाता हूँ आपको कुछ नीचे का व्यू। नीचे ना रेस्ट रूम है अलग अलग, और सामने उस साइड है बेसिकली जिम है मेरी उस साइड, और ये स्टेयर केस से आना है नीचे, मतलब है बीच में पूरा खाली है। खाली मतलब एज अ डिज़ाइन बनाने के लिए ऊपर भी ग्लास लगे हुए, जिससे सनलाइट वगैरह काफ़ी अच्छी आ सके। और उस साइड रिसेप्शन है, अभी चलते हैं रिसेप्शन से अपना कार्ड लेता हूँ। तो भाई अपना कार्ड दे के तो मैंने बैंड ले लिया, लोकल नंबर जो मुझे मिला है ये मिला है 600। सो हर बार अलग मिलता है। उस साइड फीमेल का चेंजिंग रूम है, और इस साइड मेल का चेंजिंग रूम है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है अगर आपको स्विमिंग पूल एक्सेस करना है तो। मेरी ही सेम मेंबरशिप में है, बट मैं करता नहीं क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं। कुछ ऐसा एरिया स्विमिंग पूल का, और सामने से यार व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है। और यहाँ पर लगे हुए 2 मिरर, ठीक है, और सामने आपका भाई आद्विक प्रजापति, और नीचे हेयर ड्रायर वगैरह भी सब है यहाँ पे। मतलब बात लेके आओ, अपने बाल वाल सुखा लो, ठीक है। और ये कूल वाले से मिरर है जो रंग बदलते हैं। बंद होगी लाइट, हालांकि मैं अंदर का तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर चेंजिंग रूम है। यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है, और जो कि पता ही है चाइना में तो चेंजिंग रूम में सब लड़के या लड़कियाँ सब नंगे नंगे घूमते हैं, तो अंदर कैमरा ले आना सेंस बनता नहीं है। अभी कुछ ऐसे लॉकर्स होते हैं यहाँ पे, और ये कुछ सीटिंग अरेंजमेंट होता है। मेरे को 006 है, ओह ये नहीं है सर, 9 है मेरा, ओ खोलिया। तो भाई यहाँ पे रखते हैं अपना बैग। चलो जी, हम इसको कर देते हैं।
भाई लॉकर में अपने कपड़े वगैरह सब कुछ रख दिए, कपड़े का बैग रखने थे। और हालांकि ये वही जिम है जो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बात किया था कि मैंने भाई इंडिया के 35,000 रुपीज़ इसमें पे किए हैं जो लग्जरियस जिम है, तो ये वही वाली जिम है। हालांकि मैं इसमें इतना ब्लॉग वगैरह शूट नहीं करता था क्योंकि काफ़ी थोड़ा क्राउडेड रहती है, इसमें जगह नहीं मिलती। बट माइक ने बोला कि यार आज ब्लॉग शूट करते हैं और माइक के पास इसी जिम के मेम्बरशिप है, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार। अंदर से भाई जिम कुछ ऐसे दिखती है, आप देख सकते हो काफ़ी हाईटेक है यार, ऑलमोस्ट सारी मशीनें हैं। उस साइड भी एरिया है जिम का ही एरिया पूरा, और वहाँ तक मतलब ये पूरा फ्लोर ही जिम वालों ने कवर कर रखा है, जिम का ही है भाई। फाइनली अपना वार्म अप वगैरह सब कुछ डन हो चुका है और माइक का वेट करते करते मेरे को आधे घंटे हुए हैं, फाइनली माइक अब जाके आया। सो टुडे वी हैव प्लान टू डू शोल्डर, क्योंकि दो बॉडी पार्ट हमें नहीं करने, तो आज एक ही बॉडी पार्ट करेंगे, उस पर फोकस ज़्यादा होगा। एनवायरमेंट है जिम के अंदर का भाई, देख लो यहाँ से जिम कुछ ऐसे दिखती है, काफ़ी हाई टेक और काफ़ी अच्छी जिम है, और यहाँ से ट्रेडमिल से यार व्यू बहुत ही अच्छा आता है। So let me introduce Mike. Hi guys. Namaste, namaste, namaste. Today we are training hard. Today we are here. Guys, we want to show you, we are going to train chest and shoulder. Oh no, we are going to train only shoulder. Only today. Shoulder. I want to introduce myself in Hindi. How can I say my country is? Meradesh. Meradesh, Rwanda. And how can I say my name? Meranam. Meranam, Mike, handsome boy. बंदा बड़ा मस्त है यार, हिंदी में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है बिकॉज ही नो कि मेरी मोस्ट ऑफ द जो व्यूवर्स है वो इंडिया से हैं। तो अभी इसके साथ ट्रेन करते हैं आज, हालांकि प्लान है शोल्डर करने का, और आपने देखा है भाई अफ्रीकन है, इसकी मसल्स काफ़ी अच्छी खासी है, कहाँ इसके जितना मैं लिफ्ट कर पाऊँगा, बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Finally, we did almost 4 exercises. So ek last karke workout khatam karte hain, fir aapko leke chalta hun bahar. Guys, you must teach me how to speak India. There's no way I'm coming to India and I can't speak your language, eh? Namaste. I know, what's the meaning of Kahuna Pyari here, stuff like that? What is? Kahuna Pyari here. Kahuna Pyari, it's a name of movie. I watched that movie when I was a kid. So, bhai, apna workout complete ho gaya, shoulder maari thi, saari exercise complete kar li. Aur kuch aisi dikh rahi hai aapke bhai ki physique, aap dekh sakte ho, shoulder mein pump achha khasa aa gaya, lagi t-shirt pe aisa dikh nahi raha. To ab aapko na ek gym ka tour deta hun, gym ka tour kya matlab, ek gym dikhata hun ki gym mein machine kitni hai aur kaisi kaisi machine hai. कोई स्ट्रेचिंग एरिया वगैरह, हालांकि जिम बहुत ही हाई क्लास है, हाईटेक जिम है, टेलीविजन्स वगैरह, और यहाँ पर सारी साइकिलिंग की मशीनें, और ट्रेडमिल तो काफ़ी है। और ट्रेडमिल से बाहर का व्यू दिखाऊं, अभी ड्रिसलिंग हो रही थी, हालांकि अब अच्छा हो गया मौसम, कुछ ऐसी है हमारी ये जिम। नो डाउट यार बहुत हाईटेक है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, और यहाँ पर स्कॉट्स, फ्री स्कॉट्स एंड ऑल, तो इन्होंने यार अभी रख दिया ये, पता नहीं कुछ। ये डेडलिफ्ट के लिए एरिया है, यहाँ पे सारी बेंच मिल जाएंगी, जो फ्री बेंच है, लाइक फ्लैट बेंच हो गई, इंक्लाइन बेंच हो गई, और इसमें मैक्सिमम 40 के डंबल हैं। तो ये कुछ डंबल के सेक्शंस हैं, और यहाँ पे फ्री बेंच भी है, जिसको मतलब बाइसेप्स वगैरह या डंबल वर्कआउट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और कुछ नीचे का एरिया, ये व्यू बाहर का, और वो जो एरिया वो कॉमन स्ट्रेचिंग एरिया है, वहाँ पर कोई भी जाके स्ट्रेच कर सकता है, हालांकि वो इतना बड़ा एरिया नहीं है। और ये लेग प्रेस की मशीन, और बाकी चेस्ट वगैरह की जो नॉर्मल मशीनें होनी चाहिए जिम में वो सारी है। अगर किसी को बॉक्सिंग आती है तो बॉक्सिंग भी आप कर सकते हो, बट आपको पे करना पड़ेगा, आई थिंक ट्रेनर लेना पड़ेगा उसके लिए, बॉक्सिंग के लिए। तो यार ओवरऑल कुछ ऐसे जिम थी, हालांकि बढ़िया जिम है बट पैसों के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है, इसलिए चेंज करने का प्लान बनाया इसको। अब जैसे ही मेम्बरशिप यहाँ की एक्सपायर होगी, तो आपको जो पहली वीडियो दिखाई थी ना, सो वो वाली जिम में ज्वाइन करने का प्लान है। अभी चलते हैं बाहर और आपसे कुछ बातें करनी है, वीडियो एंड तक देख के जाना, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाली है, आप लोगों की बहुत क्वेरी आती है ना भाई स्कॉलरशिप वगैरह को लेके, तो वो भी कवर करने वाला हूँ। तो भाई अपनी एक्सरसाइज हो गई है कम्प्लीट, बुलाते हैं लिफ्ट। सो अपनी लिफ्ट भी आ गई और माइक की भी ब्लॉगिंग चल रही है,
Hey Mike, you have DJI Osmo 3. So भाई अपना वर्कआउट कंप्लीट हो गया, अच्छा खासा पंप आया, शोल्डर किया है. So Mike स्कूटी से, अब Mike जा रहा है. So Mike, how was your day? It was good, man. Namaste. So I want to say it again, guys. I like your language. So now we finished training. You see, it's raining outside. So the training was so good. We trained the shoulders today, and we were telling you, if you love this video, if you wanna see us next time training. Let us know in the comment what do you want. So भाई जिन लोगों को नहीं पता, Mike का भी एक चैनल है, ये भी चाइना में ब्लॉगिंग करता है, तो इसके चैनल पे भी यार काफी अच्छी वीडियो है. इस भाई को भी सपोर्ट चाहिए, और हालांकि ये हिंदी लैंग्वेज भी सीख रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट टू कम इन इंडिया टू एक्सप्लोर सम सिटीज. सो आप लोग इसको भी सपोर्ट कर सकते हो. मैं इसके चैनल का लिंक, Mike चाइना ब्लॉग्स, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसका चैनल भी मैंशन कर दूंगा. आप इसके चैनल पे भी विजिट कर सकते हो यार. इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब हिज चैनल आल्सो. ओके Mike, इट्स टाइम टू से बाय बाय. हाउ कैन आई से बाय बाय इन हिंदी? नमस्ते एंड राम राम, लाइक हैंड लाइक दिस. नमस्ते राम राम. दैट्स नाइस. ओके मैन, सी यू सून, बाय बाय, हैव फन. बाय बाय भाई. Mike भी चला गया, और मैं भी चलता हूँ अब अपनी डोमेट्री की तरफ. और अच्छा, आपको मैं थोड़ा चेंज सा या यंग सा दिख रहाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी भाई बियर्ड कटवा लिए, क्लीन सेव कर लिया, क्योंकि नाउ इट्स टाइम टू डिफेंस माय थीसिस. तो मुझे अपनी थीसिस का डिफेंस देना है, तो वहाँ पे अच्छा दिखना जरूरी है, तो इसलिए मैंने बीड कटवा ली. बट यार अच्छा लुक आ रहा है, मतलब ठीक है, थोड़ा यंग सा दिख रहा हूँ. ऐसा लग रहा है कि 5-10 साल उम्र मेरी कम हो गई है. तो यार कुछ देख सकते हो, आज सन तो बिल्कुल निकला ही नहीं, बट अब बारिश और ड्रिजलिंग बंद हो गई है, तो यार मौसम बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ का, चाइना वुहान का. हाँ तो मेन टॉपिक पे आता हूँ यार. आप लोग ना इतनी क्वारीज भेज रहे हो भाई इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में, कि भाई स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बना दो, स्कॉलरशिप के बारे में बता दो. देखो यार, स्कॉलरशिप अभी बंद हो चुकी है. स्कॉलरशिप जो ओपन होगी ना, वो दिसंबर से मार्च के बीच में ओपन होगी 2025 के इनटेक के लिए. उससे पहले मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, और जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ. मेरा नाम आद्विक प्रजापति, मैं इंडिया दिल्ली से हूँ, और मैं यहाँ चाइना वुहान की एक यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा हूँ इस स्कॉलरशिप के ऊपर. हालांकि मैंने अपने घर से अभी तक एक भी पैसे नहीं लिए. और यार मेरी यूनिवर्सिटी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है ना यार, इस यूनिवर्सिटी के गेट के पास ही देखो कितनी सारी खाने पीने की वेराइटीज़ और अलग अलग दुकानें मिल जाएंगी. ये लावन है, ये एग है, लावन वो लियांगा जीदान. सो भाई देख लो, ये कुछ विनेगर वाले एग हैं. ले लिए अपने दो एग, ले लिए भाई अंडे भी ले लिए. यार यहाँ पे ना चाइना में ना मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है, एक तो यहाँ पे ना कोई भी चीज़ खाओगे ना आपको उसमें ना कैलरी का तो यार पता ही नहीं चलेगा कि भाई उसमें कैलरीज कितनी है. सामने यूनिवर्सिटी का गेट है, और यहाँ पे यार कितना क्राउड है, मतलब एकदम ही स्ट्रीट फूड मार्केट लगने लग गई है. ये कुछ जूस वगैरह बेच रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, और यहाँ पे भाई कुछ अचार हैं. हालांकि काफ़ी क्राउडेड एरिया, और ये इनका लंच टाइम चल रहा है, सॉरी डिनर टाइम. और यहाँ पर ये बारबेक्यू के हैं यार, मतलब चाइना अगर आप आ रहे हो ना, तो भाई खाने पीने की तो आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि इतने महंगे भी नहीं है ये स्टब, मतलब 150-200 इंडियन रुपीस में आपको ये सब खाने को मिल जाएगा. आपने देखा कुछ ऐसा होता है, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का दिन वुहान चाइना में. और यार आप लोगों की इतनी क्वारीज है ना स्कॉलरशिप को लेके, यार स्कॉलरशिप लेना सच बताऊँ ना बहुत ईजी है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, किसी के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है. तो उसके ऊपर मैं जल्दी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए. और यार मैं अभी फिलहाल के लिए सोच रहा हूँ ना कि टेलीग्राम चैनल ओपन करने की, जिस पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और आप लोगों की क्वारीज जो होगी ना आप वहाँ पे अपनी क्वारी डाल सकते हो, और मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा. तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप मुझे टेलीग्राम चैनल ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो आज की इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपने आज की वीडियो इन्जॉय करी होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल आद्विक जर्नी. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लव यू माय यूट्यूब फैमिली. बाय बाय, हैव फन.